An Academy. Let's crack it. राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सबसे पहली बात तो ये होती है कि देयर इज सम मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एवरीबडी. ओके, मे इट बी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, डाइवोर्सी, विडो, ये वो जो भी है, जनरल सबके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है. ठीक है, तो जितने भी कैटेगरीज हैं सबके लिए, ठीक है, मतलब ऑल द कैटेगरीज, ठीक है, ऑल द कैटेगरीज जो हैं हमारे यहाँ उनके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 45%, और एससी और एसटी के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 40%. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई 45% तो लेकर आना ही पड़ेगा, या फिर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 40% तो कम से कम लाना ही पड़ेगा. उसके बाद फिर आप ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, मतलब उसके बाद फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी. तो 45% लाने का ये मतलब नहीं है कि आपने क्लियर कर लिया प्रीलिम्स, इसका मतलब है कि अब आप क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो गए. ठीक है, चलिए, ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, तो अगर हम जरा कट ऑफ के बारे में देखें, है ना, तो आपका जो कट ऑफ है वो पिछली बार के, अगर हम लास्ट टाइम 2019 में जब एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ क्या था, अराउंड 60 क्वेश्चंस. ठीक है, तो भाई बाकियों का भी आप थोड़ा सा नीचे मान लीजिए, 5, 6, 10 सवाल इस टाइप से नीचे मान लीजिए. ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ठीक है, एससी एसटी, इन सबका थोड़ा सा आप डिफरेंस मान सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और नीचे, राइट. तो इस बार का कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, और हमें कितना, अगर हमारा स्कोर है तो हमें अभी तुरंत इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, ये सारे जो सवाल है ये है. ठीक है, ओके, तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, है ना, तो आई विल से कि भाई ऐसा है, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, देन आई विल से कि अगर आप 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 65 या 65 प्लस अगर आपका स्कोर किसी भी तरीके से आ रहा है, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द कट ऑफ, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं, लेकिन कट ऑफ जो है वो इसके आसपास रहने की उम्मीद है. ठीक है, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके कट ऑफ में नहीं आएगा. ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं. ठीक है, 2 मार्क्स प्लस माइनस आप कर सकते हैं. तो अगर आप 65 प्लस हैं तब तो मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना, अपने मेंस के फोकस होकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, 65 पे हैं तो भी करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, अगर आप 65 से नीचे हैं बाय चांस, ठीक है, तो आप मतलब यू डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट इट. ओके, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि प्रिपेयर तो करना ही, इस साल नहीं काम आएगा तो नेक्स्ट ईयर मुझे काम आ जाएगा, राइट. तो आप इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं, राइट, ओके, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, लेकिन हमें हम नहीं कह सकते कि कट ऑफ जो है वो इतना ही, मतलब दिस इज द थिंग जो कि हो सकता है, इतना ही कट ऑफ होगा. ठीक है, चलिए आइए, अब हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, लेट अस डिस्कस दैट.